भाकरोटा थाना इलाके के जयसिंहपुरा में सीए के साथ मारपीट के वीडियो चलने के बाद डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुडानिया ने हेड कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल राजपाल को सस्पेंड कर दिया। हैरानी की बात यह है कि चिरंजीलाल शर्मा के साथ मारपीट करने वाली घटना की जांच भाकरोटा सीआई राजकुमार मीणा ने मारपीट करने वाले हेड कांस्टेबल सुनील को दे दी। वीडियो की जानकारी मिलने पर जब डीसीपी को यह जानकारी मिली कि जांच भी सुनील को दी गई है तो डीसीपी ने सुनील और राजपाल को सस्पेंड किया। वहीं इस मामले में अन्य पुलिसकर्मी की विभागीय जांच के आदेश एडिशनल डीसीपी गुरुशरण राव को दे दी है। चिरंजीलाल शर्मा के साथ मारपीट करते हुए तीन पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं जिसमें हेड कांस्टेबल सुनील, कांस्टेबल राजपाल और पीसीआर का चालक शामिल है। वहीं दूसरे वीडियो में एक महिला कांस्टेबल पार्वती दिखाई दे रही है। वह बुजुर्ग महिला के साथ हाथापाई और गाली गलौज करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन डीसीपी वेस्ट ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि डीसीपी वेस्ट ने सभी की भूमिका के बारे में जांच करने के लिए अधिकारियों को कहा है। आज पुलिस पीड़ित परिवार के बयान भी ले सकती है। थाने की पीसीआर किसकी सूचना पर मौके पर मिलने गई थी? पुलिस कंट्रोल रूम, सीआई के आदेश या फिर कोई थाने में शिकायत लेकर आया था? पुलिसकर्मी किसी के पारिवारिक विवाद में हस्तक्षेप करने क्यों गए? क्या कोई आपराधिक घटना हो रही थी या फिर किसी ने किसी पर हमला कर दिया था? चिरंजीलाल के मकान पर अगर ताला लगा हुआ है तो पुलिस को क्या कोर्ट ने कहा था कि ताला जबरन खोले? अगर नहीं तो पुलिस पर जाब्ते के साथ क्यों गई? चिरंजीलाल की पत्नी डिंपल की शिकायत, अगर सीएम सुनवाई से शिकायत थाने पहुंची है तो क्या पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है या फिर पुलिस के पास कोई लिखित कार्रवाई के आदेश है? बुजुर्ग महिला के साथ किसी भी पुलिस अधिकारी का इस तरह का रवैया क्या सही है? शांति भंग में गिरफ्तार लोगों ने पुलिस के साथ भी मारपीट की है तो क्या थाना पुलिस ने कोई शिकायत दर्ज कराई है? क्या चिरंजीलाल के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है जो पुलिस ने उसके घर में घुसकर उसके साथ उसके बच्चे और परिवार के सामने मारपीट की है? एडिशनल डीसीपी इन बिंदुओं पर